दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार। इस एक्ट्रेस ने जब हिंदी सिनेमा के पर्दे पर अपनी बोल्ड अदाकारी का जलवा बिखेरा तब लाखों करोड़ों दिलों पर बिजलियां गिर गई। ये वो एक्ट्रेस है जिनकी पहली ही हिंदी फिल्म से लोग इनके दीवाने हो गए थे। एक यही बात न भूली। वैसे तो इस अदाकारा ने तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में बतौर लीड एक्ट्रेस काम किया, लेकिन जब बॉलीवुड में कदम रखा तो इनकी पहली ही हिंदी मूवी ब्लॉकबस्टर रही और रातों रात वो हिंदी प्रेमियों के दिलों में भी राज करने लगी। हाँ मैं तेरी याद में सब को भुला दूं। मैं बात कर रही हूँ 70 के दशक की सुपरहिट फिल्म जूली की हीरोइन लक्ष्मी की, जिनकी पहली हिंदी फिल्म इतनी सुपर डुपर हिट हो गई कि लोग उन्हें उसी फिल्म के नाम से बुलाने लगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्तुति हिंदी सिनेमा में अपनी पहली ये फिल्म जूली से दर्शकों के दिलों पर छा जाने वाली एक्ट्रेस लक्ष्मी के फिल्मी करियर और निजी जीवन के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ, जिन्होंने हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में कई सारी सुपरहिट मूवी दी और बन गई थी साउथ की सुपरस्टार। मम्मी, मम्मी, मैं लेकिन फिल्मों के साथ साथ वो अपनी पर्सनल लाइफ के कारण भी चर्चा में बनी रही, तो इस वीडियो में लक्ष्मी के बारे में जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, 1950 और 60 के दशक में ऐसी कई एक्ट्रेसेस हुई जो तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ के साथ साथ हिंदी फिल्मों में भी काम करती रहीं और नाम कमाया। साउथ इंडस्ट्रीज और बॉलीवुड में एक साथ कामयाबी हासिल करने वाली एक्ट्रेसेस में वैजयंती माला, हेमा मालिनी, रेखा, श्रीदेवी, रति अग्निहोत्री और ऐश्वर्या राय समेत ऐसी कई हीरोइने हैं, लेकिन उस दौर में लक्ष्मी ने ही अपनी पहली हिंदी फिल्म से दर्शकों के दिलों पर राज किया और आज की पीढ़ी उस एक्ट्रेस से अनजान है। लक्ष्मी ने अपने करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट की थी और बाद में उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ की कई सुपरहिट फिल्मों में बतौर लीड एक्ट्रेस काम किया और साउथ की सुपरस्टार बन गई। उसके बाद जब लक्ष्मी ने बॉलीवुड में कदम रखा तो उनकी पहली ही हिंदी मूवी ब्लॉकबस्टर रही और रातों रात वो हिंदी प्रेमी लोगों के दिलों में भी राज करने लगी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 5 भाषाओं में काम कर चुकी ये एक्ट्रेस किसी दूसरे से डबिंग करवाना पसंद नहीं करती थी और उन्होंने हर भाषा में अपनी डबिंग खुद ही की है। यही नहीं, ये एक्ट्रेस 5 भाषाओं की फिल्मों के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीतने वाली एक लौती अदाकारा है। दोस्तों, 13 दिसंबर 1952 में चेन्नई में एक तमिल ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुई लक्ष्मी के पिता का नाम था वाई वी राव और वो साउथ के मशहूर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और थिएटर एक्टर थे। उनकी माँ का नाम था कुमारी रुक्मणी और वो भी साउथ की बहुत मशहूर एक्ट्रेस थीं और लक्ष्मी का पूरा और असली नाम है यारागुड़ीपड़ी वेंकटा महालक्ष्मी। लक्ष्मी का बचपन चेन्नई में गुजरा और उन्होंने अपनी पढ़ाई भी चेन्नई से ही की। उनके घर वाले चाहते थे कि वो वकील बने, क्योंकि उनके माँ बाप दोनों एक्टर्स थे और फिल्म लाइन से जुड़े हुए थे, इसीलिए बचपन से ही लक्ष्मी का रुझान फिल्मों की तरफ था और वो एक्टर बनना चाहती थी। लक्ष्मी ने अपने करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट 1961 की तमिल मूवी श्रीवल्ली से की। उस वक्त उनकी उम्र महज 9 साल की थी। 16 साल की उम्र में उन्होंने 1968 की तमिल फिल्म जीवनम सम से बतौर एक्ट्रेस डेब्यू किया। इसी साल उन्होंने तेलुगु में फिल्म बंधव्यालू से और कन्नड़ में गोदावल्ली सीआईडी 999 से डेब्यू किया। वहीं मलयालम में उन्होंने 1974 की फिल्म चट्टाक्करी से डेब्यू किया। ये मूवी ब्लॉकबस्टर रही थी। ये पहली फिल्म थी जो कि बेंगलोर के किसी सिनेमा घर में 40 हफ्तों से ज्यादा रही थी। डेब्यू के बाद अगले एक दशक में ही वो साउथ की चारों इंडस्ट्री में छा चुकी थीं। इनमें कई साल तो ऐसे थे जब उनकी 10 या उससे ज्यादा फिल्में रिलीज हुईं। उस दौर में इंडिया के सबसे बड़े मेल स्टार्स के पास ही इतना काम हुआ करता था। वो चारों भाषाओं में सबसे प्रतिष्ठित हीरोइन बन चुकी थी और साउथ की सुपरस्टार थी। साउथ में नाम बुलंद करने के बाद लक्ष्मी ने 1975 में आई फिल्म जूली से हिंदी भाषा में डेब्यू किया। जाने कहां, कब किसी को
किसी से प्यार। जूली उनकी ही मलयाली फिल्म चट्टाकरी का हिंदी रीमेक था और इस फिल्म में उनके ऑपोजिट थे विक्रम। ये एक एंग्लो इंडियन परिवार की कहानी थी जो कि अपने दौर से काफी आगे की मानी जाती है। क्रिटिक्स ने तो फिल्म और लक्ष्मी की जमकर तारीफ की। बॉक्स ऑफिस पर भी जूली ब्लॉकबस्टर रही। इस फिल्म का म्यूजिक भी सुपर डुपर हिट रहा। गई सब कुछ याद नहीं अब कुछ। जूली 1975 की टॉप 10 हिंदी फिल्मों में शामिल थी और ये वही साल था जब शोले, जय संतोषी माँ, सन्यासी और दीवार जैसी धमाकेदार हिट फिल्में आई थीं। इस फिल्म के लिए लक्ष्मी को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। मम्मी वो मेरा प्राइवेट लेटर है। गटर बनने के बाद हमारा कुछ प्राइवेट रहा। ये फिल्म एक्ट्रेस श्रीदेवी के लिए भी काफी अहम रही क्योंकि उन्होंने इसी फिल्म से हिंदी डेब्यू किया था। मम्मी हमारा ड्रेस पहले ही बदला है, हम चले पार्टी में? नो, अभी तुम बहुत छोटा है। जूली के बाद लक्ष्मी ने कुछ और हिंदी फिल्में साइन कर ली जैसे जीवन मुक्त, आंगन की कली और चरणदास। हालांकि उन्होंने हिंदी में बस 5 ही फिल्में की लेकिन इन फिल्मों की कहानी बहुत हटके थी। 1989 में आई उनकी फिल्म आंगन की कली उन गिनी चुनी हिंदी फिल्मों में से एक है जो कि अडॉप्शन पर बात करती हैं। उनकी आखिरी हिंदी फिल्म हलचल 2004 में आई थी जिसमें उन्होंने करीना कपूर की दादी का किरदार निभाया था। एक हाथी से गुलाब जल नहीं छिड़कवा सकते, दो वो छड़ी मैं दिखाती गजराज गुलाब। इस किरदार में भी जनता ने उन्हें बहुत पसंद किया। लक्ष्मी ने इंडिया की 5 बड़ी फिल्म इंडस्ट्रीज में काम किया, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी। उन्होंने इन 5 भाषाओं में ना सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर फिल्में दी बल्कि अपनी परफॉर्मेंस से क्रिटिक्स का भी दिल जीता। वो अकेली ऐसी इंडियन एक्ट्रेस हैं जिन्होंने 5 भाषाओं की फिल्मों में फिल्म फेयर अवार्ड जीता है। यही नहीं, वो अकेली इंडियन एक्ट्रेस ऐसी हैं जिन्हें साउथ के 4 राज्यों का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड और साथ ही नेशनल अवार्ड मिला है। तब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग राज्य नहीं थे। लक्ष्मी ने बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी में आंध्र प्रदेश सरकार का नंदी अवार्ड 4 बार और कर्नाटक स्टेट अवार्ड 3 बार जीता है जबकि तमिलनाडु और केरला ने उन्हें एक एक बार बेस्ट एक्ट्रेस का स्टेट अवार्ड दिया है। लक्ष्मी को 1977 में उनकी तमिल फिल्म सिला नेरंगिल सिला मणिथर्गल के लिए नेशनल अवार्ड मिला। जूली के लिए उन्हें बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट अवार्ड भी दिया गया था। 2021 में उन्हें उनकी तेलुगु फिल्म ओ बेबी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस इन सपोर्टिंग रोल का अवार्ड मिला है और 2022 में ही उनकी कन्नड़ फिल्म त्रिकोण रिलीज हुई है। लक्ष्मी ने अपने करियर में करीबन 400 फिल्मों में काम किया है। उन्होंने साउथ के सबसे बड़े एक्टर्स के साथ काम किया लेकिन उन्होंने ज्यादातर फिल्में अनंतनाग के साथ की। वो आज तक एक्टिंग में एक्टिव हैं। अंतर सिर्फ इतना आया है कि जब उनकी उम्र बढ़ने लगी तो उन्होंने कैरेक्टर रोल करने शुरू कर दिए, साउथ में भी और हिंदी फिल्मों में भी। आश्चर्य की बात यह है कि 5 भाषाओं में काम कर चुकी लक्ष्मी किसी दूसरे से डबिंग करवाना पसंद नहीं करती हैं और उन्होंने हर भाषा में अपनी डबिंग खुद ही की है। फिल्मों के साथ साथ उन्होंने साउथ के टेलीविजन धारावाहिकों में भी काम किए और साउथ के कई रियलिटी शोज के जज बनी। उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने 3 शादियां की। उनकी पहली शादी 1969 में हुई और उनके पिता का नाम था भास्करन। वो एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करते थे। उनसे उन्हें एक बेटी हुई जिसका नाम है ऐश्वर्या भास्करन। उनकी बेटी भी साउथ की मशहूर एक्ट्रेस है लेकिन 1974 में लक्ष्मी और भास्करन का तलाक हो गया। फिर लक्ष्मी ने 1975 में दूसरी शादी मोहन शर्मा से की जो कि उनकी फिल्म चट्टाकरी के कोस्टार थे लेकिन 1980 में उनकी दूसरी शादी भी टूट गई और उनका तलाक हो गया। फिर 1987 में लक्ष्मी ने तीसरी शादी की और उनके पति का नाम है शिवचंद्रन जो कि साउथ के मशहूर एक्टर और डायरेक्टर हैं। उन दोनों ने 2000 में एक बेटी को गोद लिया जिसका नाम है संयुक्ता। आज 70 साल की उम्र में भी लक्ष्मी साउथ फिल्मों में एक्टिंग से लोगों का दिल जीत रही हैं। आज भी वो पहले की तरह ही खूबसूरत लगती हैं। तो दोस्तों, आप एक्ट्रेस लक्ष्मी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपके पास लक्ष्मी से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो अवश्य साझा करें। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।